गाइस, वीडियो में बहुत मेहनत, बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो का कॉन्सेप्ट देख के आप दंग रह जाओगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है। एंड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साहब, कुछ खाने को दे दो साहब, मेरे घर पे मेरा बेटा एक दिन से भूखा बैठा है, कल से उसने कुछ नहीं खाया साहब, प्लीज कुछ खाने को दे दो, वो भूख के मारे तड़प रहा होगा। बुड्ढे, हट जा मेरे रास्ते से, मेरी टैक्सी आती ही होगी, मेरा दिन और मेरा दिमाग मत खराब कर, चला जा यहाँ से। नहीं साहब, आप लोग बड़े आदमी हो साहब, आपके पास बहुत पैसा है, मुझ जैसे गरीब को एक वक्त का खाना दे दो साहब। कहा ना, निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतने जूते मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता है। प्लीज साहब, कुछ तो दे दो। कहा ना, चला जा यहाँ से। ठीक है साहब, मत दो। साहब, मेरे घर पे मेरा बेटा कल से भूखा है, कुछ खाने को दे दो, वो भूख के मारे बहुत तड़प रहा होगा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर खाने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा, आपको जो देना है दे दो, पर कुछ दे दो। अरे यार, तुम भीख मांगते हो, इससे अच्छा कुछ काम ही कर लो, काम करोगे तो दो वक्त की रोटी हक से खा पाओगे। साहब, मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कोई काम मिलेगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो बिस्किट और अपने बेटे को खिला देना। साहब, आपने मेरी बहुत मदद की, भगवान आपको सुखी रखे, आपके घर धन की कभी कमी ना आए। बेचारा बहुत गरीब है। लगता है पापा आ गए। बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है पापा, दिखाओ दिखाओ, क्या मैं आज भरपेट खाना खाऊंगा? नहीं बेटा, भरपेट तो नहीं, पर मेरे पास एक पैकेट बिस्किट है, ये खा लो और ये खा के सो जाना। पापा, आज फिर यही होगा, इतने साल बीत गए लेकिन आज तक मुझे रात में भरपेट खाना नहीं मिला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल खाना मिलेगा या नहीं। नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कल भी खाना मिलेगा। ये आखिर कब तक चलेगा, आप दूसरों से मांग मांग के मेरा पेट भरते रहोगे। नहीं बेटा, मैंने मांगा नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे सब पता है पापा, आप झूठ मत बोलो, पूरे दिन मेहनत करके आपको बस ये बिस्किट मिली। हाँ बेटा, ये सच है। तो फिर ठीक है, आप खुद खा लो, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है बेटा, तो मैं भी ऐसे ही सो जाता हूँ। जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। IPL स्टार्ट हो चुका है एंड आप घर बैठे अपने क्रिकेट स्किल से जीत सकते हो 10 करोड़ रुपए। प्लेयर स्पोर्ट ऐप पे तुरंत से अपनी टीम बना के ज्वाइन करो। प्लेयर स्पोर्ट पे अभी 10 लाख का ग्रैंड लीग चल रहा है, जहां पे आपको फ्री एंट्री मिलेगी, 1.20 करोड़ का लीडर बोर्ड एंड एक BMW बाइक और ऐसे बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। अगर फैंटेसी से हटके बात करें तो प्लेयर स्पोर्ट पे आप लूडो खेल के 10 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो, वो भी डेली, एंड टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ये बिल्कुल इंडियन ऐप है एंड 100% सिक्योर है। यहाँ पे 7 मिलियन यूजर्स डेली खेलते हैं एंड सबसे बड़ी बात, इजी विड्रॉल विथ नो KYC, मतलब आप जैसे ही गेम जीतोगे पैसे सीधे आपके अकाउंट में। बाकी इस ऐप में आपको कई सारे गेम्स मिल जाएंगे जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, रमी, सो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड जाके डाउनलोड करो एंड मेरा रेफरल कोड जरूर से यूज करना, जिससे आपको 200 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा। पापा उठिए, मुझे आपसे बात करनी है, एक बहुत जरूरी बात, जिसके बाद ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पापा, मुझे ये जानना है आपकी ये हालत कैसे हुई, मुझे तो नहीं लगता आप बचपन से ही इतने गरीब होगे। पक्का आपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिया और जब पैसे खत्म हो गए होंगे तो अपने घर परिवार को भी बेच दिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा,
मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहूँगा तो भी मरूँगा और यहाँ नहीं रहूँगा तो भी। बस बेटा, मैंने जुए में कोई पैसे नहीं हारे हैं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा तो तुम कुछ भी मत बोलो। अच्छा, तो कहाँ गए आपके सारे पैसे? हमारी ये हालत क्यों है? देखो पापा, आप अपनी गलतियों को मत छुपाओ, मुझे सब पता है। आप सारे पैसे हार चुके हो और मुझे आपके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि हम इतने गरीब क्यों हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे मना किया है तुम्हें बताने से। पहले हम भी बहुत अच्छे भले थे, पर जब तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई तो उसके इलाज में धीरे धीरे करके हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। ना मैं तुम्हारी माँ को बचा पाया और ना ही पैसे, और सिर्फ मैं और तुम रह गए। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया, अपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए और हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर आज हमारे पास भी पैसा होता तो मुझे घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता और मुझे भी भरपेट खाना मिलता। आज मैं 2 दिन से भूखा हूँ, 2 दिन से मुझे एक अन्न तक नहीं मिला। भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी ये मेरे साथ हो रहा है। हे ऊपर वाले, कोई तो रास्ता दिखा जहाँ से मुझे खाने को मिल सकता है। इन्हें देखो, ये कितने अमीर हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। यार, ये खाना कितना रूखा सूखा है, मैं नहीं खा सकता। इस बचे हुए खाने को फेंक देना ही सही रहेगा। फेंक रहे हो तुम खाना, क्योंकि आज रोटी थोड़े सूखे हैं। थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, क्योंकि हम गरीब 2 दिन से भूखे हैं। रूखा सूखा ही सही, पर मैं तो खा ही सकता हूँ, इसी से पेट भर लेता हूँ। अरे सुनो, तुम ये क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये कचरा है। भैया, ये आपके लिए कचरा होगा, पर मेरी भूख मिटाएगा। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कम से कम इसे खा के जिंदा तो रहूँगा। सुनो, छोड़ो उसे, मैं तुम्हें खाना दूंगा। ये बताओ, तुम कहाँ रहते हो? साहब, मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बहुत भूख लगी है, इसलिए खाना ढूंढ रहा था। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। भैया, मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा काम जान पहचान से नहीं, दिल से किया जाता है, और तुम सोचो मत। आओ चलो मेरे साथ, अब से तुम्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी, मैं तुम्हें डेली खिलाऊंगा। भैया, आप बहुत अच्छे हो। चलो आ जाओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। जी भैया। आओ, ये देखो, ये मेरा घर है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बड़ा घर है, आप तो बहुत अमीर हो। चलो अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अरे सुमित, ये तुम किसे ले आए? दिखने में तो भिखारी लग रहा है, ये हमारे घर नहीं आ सकता। अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? गरीब है तो क्या हुआ, इंसान ही तो है। वो चाहे कुछ भी हो, मैं इसे अंदर आने नहीं दूंगी। मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसे खाना खिलाऊंगा, और अब मैं मुकर नहीं सकता। मेरे कारण इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, मैं ही मनहूस हूँ। लगता है खाना नहीं मिलेगा, मैं चला जाता हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? भैया, मेरे कारण आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, और ये मैं नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल नारियल जैसी है,
ऊपर से सख्त, अंदर से नर्म। तुम आओ मेरे साथ, देखना तुरंत मान जाएगी। अरे तुम समझो, ये बेचारा दो दिन से कुछ नहीं खाया है। प्लीज इसे अभी तो खाने दो। ठीक है, पर ये आखिरी बार होगा। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हर दिन मना लूंगा। आओ बैठो, साथ में खाते हैं। नहीं नहीं भैया, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे ही ठीक हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, आ जाओ ऊपर बैठो। अरे सुमित, ये तुम क्या कह रहे हो, वो नीचे ही ठीक है। हाँ मैं नीचे खा लूंगा, आपने मुझे खाना दिया यही बहुत है मेरे लिए। देखो पायल, ये कितना अच्छा लड़का है और तुम इसे डांटती हो। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत अच्छी है। चलो चलो खाना शुरू करो। जी भैया। तुम लोग खा लो, मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे मन की बात, तुम इसे यहाँ रखने लाए हो, मगर ये याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहने वाली। पायल बच्चों जैसी बात मत करो, ये तुम क्या बोल रही हो, वो तो इतना अच्छा लड़का है, देखो कितने प्यार से बात करता है। सुमित तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, अगर ये यहाँ रहेगा तो समाज में हमारा क्या नाम रह जाएगा, कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करेगा, लोग हमसे दूर भागेंगे। हाँ पायल, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो हम पे बहुत हंसेंगे, हमारा बहुत मजाक बनाएंगे। सुमित वही तो मैं तुम्हें तब से समझा रही हूँ, प्लीज इसे हमारे घर से दूर कर दो। ठीक है पायल, मैं ट्राई करता हूँ। इनकी बात तो बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो सभी लोग इनसे दूर भाग जाएंगे, आसपास के लोगों के नजरों में इनकी इज्जत बहुत कम हो जाएगी, और मेरे कारण किसी का बुरा हो ये मैं नहीं देख सकता। भैया को आने दो, मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं यहाँ से जाता हूँ, या फिर इनसे कोई काम मांग लेता हूँ, जिससे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा यही रहेगा। भैया मुझे आपसे बात करनी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, आप मुझे कोई काम दिलवा दो, मैं वही काम करूँगा और अपने घर पे रहूँगा। पर तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं है। आप मुझे कोई काम भी दिलवा दो और एक छोटा मोटा घर दिला दो भाड़े पर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त काम है और घर भी मिल जाएगा। भैया सच में? हाँ सच में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप बहुत अच्छे हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये देखो हम लोग पहुंच गए, तुम आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या करना है। रामू कैसे हो? अरे सुमित जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे रामू हम भी एकदम बढ़िया। वैसे रामू तुमसे एक काम था। हाँ बोलिए ना, क्या काम है आपको? रामू इससे मिलो। अरे तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। भैया मेरा नाम आर्यन है। हाँ तो रामू सुनो, ये जो आर्यन है आज से यही काम करेगा। देखो रामू तुम्हें तो पता ही है मेरा और तुम्हारा खेत साथ साथ में है, आज तक तुम मेरे खेत में काम करते थे और मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अब से मेरे खेत पे आर्यन काम करेगा और तुम इसकी मदद करना, बेचारा गरीब लड़का है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो तुम इसकी मदद करोगे तो बेचारा सीख लेगा। हाँ भैया ठीक है, हम इसे सब सिखा देंगे। क्यों आर्यन काम करोगे ना? हाँ हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। और हाँ आर्यन, वो सड़क के पास जो झोपड़ा है तुम आज से वहीं रहना, आज से वो तुम्हारा घर है। ठीक है भैया,
आप जैसा बोलो। हाँ सुमित भैया, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। ओके रामू, बाय बाय आर्यन। बाय भैया। भैया ध्यान से जाना। गुड लक आर्यन। हाँ तो आर्यन, आज से ही काम शुरू करते हैं। हाँ रामू भैया, आप जैसा बोलो। आर्यन, हमको अभी अपने घर पे थोड़ा सा काम है, इसलिए हम अभी अपने घर पे जा रहे हैं। जाओ तुम भी अपना घर जाके देख लो। ठीक है भैया। ये रहा मेरा नया घर। मानता हूँ थोड़ा छोटा है, लेकिन एक दिन मेरे पास भी बड़ा घर होगा। ये हमारे साथ क्या हो गया? हम इतना अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन साला ये भिखारी आ गया। सुमित भैया की जो जमीन खाली पड़ी रहती थी, उस पर हम फ्री में खेती करते थे। सुमित भैया हमसे कोई भाड़ा नहीं लेते थे, लेकिन अब से वो भिखारी उस जमीन पर खेती करेगा। अब आधी जमीन उसकी हो गई, तो मेरा मुनाफा भी आधा हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा। अगर उस जमीन से हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो हम उसे भी नहीं कमाने देंगे। हम उसे ऐसे बीज ला के देंगे कि उसकी फसल ही खराब हो जाए, और जब ऐसा होगा तब आएगा असली मजा। सुमित भैया उसे खुद वहां से भगा देंगे और वापस पूरी जमीन हमारी हो जाएगी। आज से ही काम शुरू करता हूँ। रामू भैया खेत पहुँच गए होंगे, मैं भी जाता हूँ। रामू भैया काम शुरू करे। हाँ हाँ आ जाओ। अरे आर्यन सुन, तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ रामू भैया बोलिए, क्या हुआ? अरे आर्यन, हम बीज लेने जा रहे हैं, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, एक भाड़े में दोनों का काम हो जाएगा। हाँ हम भी यही सोच रहे थे, क्यों दोनों का भाड़ा लगे, जब एक में ही काम हो रहा है ना, तो अच्छा ही है। हाँ रामू भैया ये लो पैसे, मेरे लिए भी लेते हुए आना। ठीक है आर्यन, तो हम चलते हैं। जी रामू भैया आराम से जाना, वैसे आप कब तक लौटोगे? शायद रात हो जाएगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं आपसे कल ले लूँगा। ठीक है आर्यन। ये कौन है, डेली डेली यहीं बैठे रहता है, आज इससे पूछता हूँ। अरे ओ भैया तुम कौन हो और डेली डेली यहाँ बैठे क्यों रहते हो? तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। अरे नहीं आर्यन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मैं तो बस यूं ही यहाँ बैठे रहता हूँ और तुम सबको काम करते देखता हूँ। तुम सबको काम करते देख मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। अच्छा अच्छा भैया ऐसा है, तो आप आराम से देखो, मैं चला काम करने। मन लगा के काम करना आर्यन। आर्यन अब तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, हमने कहा था हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ये देखो
हमने दो प्रकार के बीज लाए हैं, एक तो वो जिसे हम यूज करेंगे और एक वो जिसे तुम यूज करोगे। हमारा वाला तो A1 क्वालिटी का है, लेकिन तुम्हारा वाला एक बार फसल लग जाए फिर देखो उगेगी ही नहीं, और अगर उग गई तो उसकी जो हालत होगी उसे तो तुम देख भी नहीं पाओगे। हमारे हिस्से को हथियाने आए थे, अब तुम एक हिस्से बनकर रह जाओगे। आखिर लोग कितने दुष्ट होते हैं, अगर खुद की हार हो जाए तो दूसरे की जीत उनसे सहन नहीं होती। मेरे होते हुए आर्यन के साथ कभी गलत नहीं होगा। रामू, जो बीज तुमने बोए हैं वही बीज तुम काटोगे। अब देखो रामू, अच्छे बीज तुम अपने हाथों से आर्यन को दोगे और बुरे बीज तुम खुद लगाओगे। किए का फल सबको मिलता है, वो तुम्हें भी मिलेगा और आर्यन को भी। सुबह हो गई, अब हमें अपना खेल शुरू करना है। ये बुरे बीज आर्यन को देने हैं और अच्छे बीज खुद लगाना है। ये क्या हो गया, हमने तो अच्छे बीज लगाए थे फिर भी सारा फसल खराब हो गया। आर्यन, अब हम क्या करें, हमारा घर कैसे चलेगा? रामू भैया, आप चिंता मत करो, मेरे फसल तो ठीक है ना। वैसे भी मैं अकेला आदमी हूँ, इतनी फसल का क्या करूँगा। आप मेरे घर पे चलो, मैं आपको अपनी आधी फसल देता हूँ। अरे नहीं आर्यन, हमें पता चल चुका है, ये हमारे पापों का ही नतीजा है। रामू भैया, ये याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ज्यादा मत सोचो और मेरे साथ चलो। रामू भैया, ये देखो मेरे पास टोटल इतना ही है, इसमें से एक आप रख लो और एक मैं रख लेता हूँ। पर हम ये नहीं कर सकते आर्यन। देखो रामू भैया, मुझे तो कुछ आता नहीं था, जो भी सीखा हूँ आपसे सीखा हूँ, उसी की फीस समझ के रख लो। तुम बहुत अच्छे हो आर्यन, भगवान तुम्हारा भला करे। रामू भैया, मुझे थोड़ा निकलना है, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगा। थैंक यू सो मच आर्यन। भैया देखो मैं आ गया। भैया थोड़ा बाहर तो आओ। अरे आर्यन, तुम यहाँ? हाँ भैया, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज बाहर आओ। अरे अभी आया। भैया आज फसल की कटाई हुई है और मैं ये अनाज आपको समर्पित करता हूँ। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बस आपकी बदौलत। अगर आप नहीं होते तो मैं आज एक सड़क के किनारे मर रहा होता। प्लीज ये अनाज कबूल करिए। नहीं आर्यन, ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने अपनी मेहनत से कमाई है। प्लीज भैया रख लो। आर्यन, अगर तुम्हें चढ़ाना ही है तो मुझे नहीं भगवान को चढ़ाओ। आओ तुम मेरे साथ अंदर आओ, भगवान के आशीर्वाद लो। जी भैया, जैसा आप कहें। हे ऊपर वाले, आज मैं आपकी कारण अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आपने मुझे जो भी दिया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, प्लीज स्वीकार करें। जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ था उसे कौन रोक सकता है। आर्यन ने अपनी मेहनत कम नहीं बल्कि दुगनी बढ़ा दी, और फिर क्या था, दिन ब दिन उसकी तरक्की बढ़ती गई, वो कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मगर एक दिन, अरे आर्यन बेटा कैसे हो तुम? पापा आप यहाँ हो? किधर हो आप,
मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहे? आप अगर यहाँ हो तो सामने आओ। बेटा, अगर याद करोगे तो हर जगह, नहीं तो कहीं नहीं। ये क्या कह रहे हो पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो मुझे भूल गए बेटा, पर मैं तुम्हें बहुत याद करता था। करता था? इसका क्या मतलब है? पापा कहाँ गए आप? मैं अभी आ रहा हूँ पापा, आपके पास। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैं वापस कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं। पापा, आपने मुझे याद किया और देखो मैं चला आया। अब आपका आर्यन बहुत बड़ा आदमी बन चुका है पापा। अरे आप यहाँ, पापा कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? इसका क्या मतलब है, कहाँ चले गए? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप, मुझे बताइए पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा अपने आखिरी वक्त में तुम्हें बहुत याद करते थे। वो हर सुबह तुम्हारी राह देखा करते थे, मगर तुम लौटे ही नहीं। एक ना एक दिन उन्हें मेरे पास आना तो था ही, और वो दिन कल बीत चुका है। मतलब मैं पापा से नहीं मिल पाऊंगा? पापा मुझे छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए? आपने कहा पापा आपके पास चले गए, इसका मतलब? अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप, ये कैसे हो सकता है? मतलब अभी तक मैं जिससे बात कर रहा था वो? कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आर्यन की किस्मत ही यही थी, उसका वक्त तो बदल गया लेकिन कुछ अधूरा रह गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। हमारे गर्ल वॉइस के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। एंड प्लेयर स्पॉट को भी जरूर से ट्राई करना, हो सकता है आपका भी वक्त बदल जाए।